इकोनॉमिक्स वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आज हम आय का चक्रीय प्रभाव के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आय के विभिन्न चक्रीय प्रभाव मॉडलों का सचित्र वर्णन के अंतर्गत हम सबसे पहले आय के चक्रीय प्रभाव की अवधारणा को जानेंगे। चक्रीय प्रभाव के प्रकार, वास्तविक प्रभाव, मौद्रिक प्रभाव, आय के चक्रीय प्रभाव का द्विक्षेत्र मॉडल, आय के चक्रीय प्रभाव का तीन क्षेत्र मॉडल और अंत में आय के चक्रीय प्रभाव का चार क्षेत्र मॉडल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आय के चक्रीय प्रभाव को जानने से पूर्व हमें यह जानना होगा कि एक समाज में मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन के विभिन्न साधनों के पारस्परिक संयोग से उत्पादन कार्य संपन्न होता है। उत्पादन कार्यों में प्रयोग होने वाले साधनों को उनके कार्य के बदले प्रतिफल मिलता है, जैसे भूमि को लगान, श्रम को मजदूरी, पूंजी को ब्याज तथा साहसी को लाभ। व्यवसायिक फर्म में इन उत्पादन के साधनों के सामूहिक उपयोग से वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है और इनकी बिक्री से आय प्राप्त करती है। इन आय का प्रयोग वे पुनः वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्माण व साधनों पर व्यय करते हैं। इस प्रकार आय का चक्रीय प्रभाव का निर्माण होता है। उत्पादन आय को, आय व्यय को, फिर व्यय उत्पादन को और उत्पादन पुनः आय को जन्म देता है। इस प्रकार आय का चक्र प्रभाव निरंतर तथा अनंत रूप में चलता रहता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, चित्र में उत्पादन, आय और व्यय का चक्र यहाँ पे दिखाया गया है। उत्पादन का मतलब वस्तु सेवाओं का निर्माण से है और जब वस्तु सेवा को निर्माण उत्पादन के साधनों से किया जाता है तो उत्पादन के साधनों को जो प्रतिफल दिया जाता है उसे आय कहते हैं और आय के माध्यम से लोग वस्तु सेवाओं को खरीदते हैं, उन पर खर्च करते हैं, व्यय करते हैं और जब वस्तु सेवाओं पर वो खर्च करते हैं तो उससे मांग का जन्म होता है और मांग का जन्म होता है तो उससे फिर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन दोबारा होता है। तो इस प्रकार आय का चक्र लगातार चलता रहता है जिससे आय लगातार आय का निर्माण होता रहता है। आय के चक्रीय प्रभाव की परिभाषा इस प्रकार है। लिप्से के अनुसार आय का चक्रीय प्रभाव घरेलू फर्मों एवं घरेलू परिवारों के बीच भुगतानों एवं प्राप्तियों का प्रवाह होता है, अर्थात परिवार फर्मों को उत्पादन के साधन उपलब्ध कराते हैं और फर्में उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके उन्हें भुगतान के रूप में प्रतिफल देती हैं। तो इस प्रकार आय का प्रभाव परिवारों से फर्मों को और फर्मों से परिवारों के बीच चलता रहता है। चक्रीय प्रभाव, चक्रीय प्रभाव को हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। एक है वास्तविक प्रभाव और दूसरा है मौद्रिक प्रभाव। वास्तविक प्रभाव के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रभाव होता है और मौद्रिक प्रभाव के अंतर्गत आय या मुद्रा का प्रभाव होता है। वास्तविक प्रभाव, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रयोग के बिना वस्तु विनिमय द्वारा खरीद बिक्री को वास्तविक प्रवाह कहते हैं। आज से पूर्व जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग वस्तु विनिमय के द्वारा ही वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। परिवारों द्वारा उत्पादन के साधनों की
पूर्ति, भूमि, श्रम, पूंजी तथा साहस के रूप में विभिन्न व्यावसायिक फर्मों को की जाती है। जैसा चित्र में आप देख रहे हैं, परिवार, परिवारों से उत्पादन के साधनों को भूमि, श्रम, पूंजी, साहस व्यवसायिक फर्मों को की जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये उत्पादन के साधन है भूमि, श्रम, पूंजी और साहसी। ये व्यवसायिक फर्में उत्पादन के साधन तथा आर्थिक संसाधनों की सहायता से विभिन्न वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करती है। पुनः व्यवसायिक फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मांग परिवारों द्वारा की जाती है। चित्र में देखेंगे, व्यवसायिक फर्मों से परिवारों को वस्तु और सेवाओं की पूर्ति की जाती है परिवारों को। और परिवार हमें, परिवार व्यवसायिक फर्मों को क्या देते हैं, क्या देते हैं, उत्पादन के साधन देते हैं। ये उत्पादन के साधन देते हैं भूमि, श्रम, पूंजी और साहस। और व्यवसायिक फर्में क्या करती हैं, तुम्हारे उत्पादन के साधनों को प्रतिफल देती हैं, जैसे भूमि को लगान, श्रम को मजदूरी, पूंजी को ब्याज, साहसी को लाभ। ये व्यवसायिक फर्में इनको देती हैं। इसके साथ वस्तु और सेवाओं किसको देती हैं, परिवार को देती हैं। तो वास्तविक प्रभाव में कहीं पर भी मुद्रा का जिक्र नहीं है। वास्तविक प्रभाव में वस्तु विनिमय के द्वारा ही वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, इसी को वास्तविक प्रभाव कहते हैं। वस्तु विनिमय में कई प्रकार की कठिनाइयां आती थी। इन कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से वर्तमान युग में सभी अर्थव्यवस्थाएं मुद्रा का प्रयोग करती हैं। मौद्रिक प्रभाव। एक मौद्रिक अर्थव्यवस्था में परिवारों और व्यवसायिक फर्मों के बीच मुद्रा द्वारा जो लेन देन होता है उसे मौद्रिक प्रभाव कहते हैं। परिवारों के द्वारा उत्पादन के साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, साहसी की आपूर्ति व्यवसायिक फर्मों को की जाती है। यहाँ देखिए आप, ये परिवार है। परिवारों से उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी, साहसी किसको दी जाती है, व्यवसायिक फर्मों को दी जाती है। और व्यवसायिक फर्म उत्पादन के साधनों के सहयोग से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। व्यवसायिक फर्में उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके क्या करती है, वस्तु और सेवाओं का निर्माण करती हैं। और ये वस्तु और सेवाएं परिवारों को दी जाती हैं। इन वस्तु और सेवाओं की मांग परिवार क्षेत्र द्वारा की जाती है। परिवार क्षेत्र इन वस्तु सेवाओं का क्रय अपनी मौद्रिक आय से करते हैं। परिवार इन वस्तु और सेवाओं का प्रयोग कैसे करते हैं, मुद्रा के द्वारा पहले इनको खरीदते हैं, क्रय करते हैं, अपनी आय से करते हैं, जिसको हम उपभोग व्यय बोलेंगे। वस्तु सेवाओं पर खर्च करना उपभोग व्यय कहलाता है। व्यवसायिक फर्में उत्पादन के साधनों को प्रतिफल देती हैं, जैसे भूमि को लगान, श्रम को मजदूरी, पूंजी को ब्याज और साहसी को लाभ। और ये सारी आय जो ये प्रतिफल हैं, ये परिवार को मिलती हैं। और यह चक्र लगातार चलता रहता है और इसी को मौद्रिक प्रभाव कहते हैं। ये जो चक्र आपके सामने चल रहा है, इसको हम मौद्रिक प्रभाव कहते हैं, क्योंकि परिवारों से उत्पादन के साधनों का व्यवसायिक फर्मों को हस्तांतरण होता है। वे परिवार को वस्तु सेवाएं देती हैं, परिवार इन वस्तु सेवाओं का उपभोग करते हैं
और फिर व्यावसायिक फर्में उत्पादन के साधनों को प्रतिफल देती हैं और इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। और इस चक्र को मुद्रा के द्वारा ये संभव होता है, क्योंकि उत्पादन के जितने साधन हैं उन्हें मुद्रा में प्रतिफल दिया जाता है मुद्रा के रूप में, तो इसे हम मौद्रिक प्रभाव कहेंगे। मौद्रिक प्रभाव के विभिन्न मॉडलों का अर्थव्यवस्था में प्रयोग। पहला, आय के चक्रीय प्रभाव का द्विक्षेत्रीय मॉडल। दूसरा, आय के चक्रीय प्रभाव का तीन क्षेत्रीय मॉडल। तीसरा, आय के चक्रीय प्रभाव का चार क्षेत्रीय मॉडल। इन सारे मौद्रिक प्रभाव के विभिन्न मॉडलों का हम विस्तार से एक के बाद एक अध्ययन करेंगे। चक्रीय प्रभाव का द्विक्षेत्रीय मॉडल। आय के चक्रीय प्रभाव का दो क्षेत्रीय मॉडल में अर्थव्यवस्था में केवल दो क्षेत्र परिवार तथा व्यावसायिक फर्मों के बीच होने वाले चक्रीय प्रभाव या मौद्रिक प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, परिवार क्षेत्रों का और व्यावसायिक फर्मों का इसमें अध्ययन किया जाता है, और यही दो क्षेत्र इस चक्रीय प्रभाव में होते हैं। परिवार क्षेत्र व्यावसायिक फर्मों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है और उत्पादक क्षेत्र द्वारा निर्मित वस्तु सेवाओं का उपभोग करता है। परिवार द्वारा व्यावसायिक फर्मों को भूमि, श्रम, पूंजी, साहसी के रूप में सेवाएं प्रदान की जाती हैं और व्यावसायिक फर्म इन वस्तुओं का निर्माण करके परिवारों को देता है और परिवार इन वस्तु सेवाओं का उपभोग करता है। व्यावसायिक फर्में परिवार द्वारा दिए गए भूमि, श्रम, पूंजी, साहसी को उनका भुगतान लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में करती है। पारिवारिक क्षेत्र को लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ के रूप में एक प्रकार से आय प्राप्त होती है और उस आय का प्रयोग परिवार क्षेत्र वस्तु और सेवाओं के उपभोग कार्य में करता है और इस प्रकार यह आय का प्रभाव दोबारा से व्यावसायिक फर्मों की ओर आ जाता है। तो इस प्रकार व्यावसायिक फर्मों से आय परिवारों को और परिवारों से आय व्यावसायिक फर्मों को होती रहती है। इसी को आय का चक्र या प्रभाव कहते हैं। इसका प्रयोग एक बंद अर्थव्यवस्था में होता है। बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें आयात और निर्यात पर प्रतिबंध होता है, सरकार का आर्थिक क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आय के चक्रीय प्रभाव का द्विक्षेत्र मॉडल में सरकार का आर्थिक क्रियाओं पर किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आय के चक्रीय प्रभाव का तीन क्षेत्रीय मॉडल। आय के चक्रीय प्रभाव का तीन क्षेत्रीय मॉडल में तीन क्षेत्र होते हैं, परिवार, उत्पादक तथा फर्म और सरकार। इन मॉडलों में सरकार के क्रियाकलाप भी आय के प्रभाव को प्रभावित करते हैं। सरकार के क्रियाकलापों को दो भागों में बांटा जा सकता है। सरकारी राजस्व, इसमें सरकार विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करती है, जैसे करों, सरकारी उपक्रम आदि। सरकारी व्यय, इसमें सरकार करों से प्राप्त आय को विभिन्न क्षेत्रों पर व्यय करती है, जैसे प्रशासनिक व्यय, वेतन तथा भत्ते, पेंशन, फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का क्रय, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, अनुदान, आर्थिक सहायता आदि। अब हम इसको इस रेखाचित्र के माध्यम से समझते हैं।
कि आय का प्रभाव कैसे तीन क्षेत्रीय मॉडल में कार्य करता है। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा कि परिवार उत्पादन के साधन फर्मों को देते हैं और फर्म उत्पादन के साधनों को क्या देती है, साधनों का भुगतान मुद्रा के रूप में करती है। भूमि को लगान देती है, श्रमिक को मजदूरी, पूंजी को ब्याज और साहसी को लाभ देती है। ये आय के स्रोत घरेलू क्षेत्र को प्राप्त होते हैं। घरेलू क्षेत्र इन आय को फिर वस्तु सेवाओं को खरीदने में या उपभोग व्यय में खर्च कर देते हैं। उत्पादक वस्तु सेवाओं का निर्माण करते हैं जिसको परिवार या घरेलू क्षेत्र क्या करते हैं, उपभोग करते हैं उन वस्तु सेवाओं का। इस प्रकार क्या होता है, फिर जो आय होती है वो साधनों के माध्यम से फिर परिवार को प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि सरकार के आने से चक्रीय प्रभाव में अंतर आता है। सबसे पहले हम यहां देखते हैं अनुदान। सरकार उत्पादक तथा फर्मों को अनुदान देती है, आर्थिक सहायता देती है ताकि वे ठीक प्रकार से कार्य कर सकें, अपने पैरों में खड़े हो सकें। इसके लिए सरकार की तरफ से जो आय का प्रभाव होता है वो कहाँ आता है, उत्पादक फर्मों की तरफ आता है। ऐसे ही सरकार वस्तुओं और सेवाओं पर भी व्यय करती है, खर्च करती है। सरकार उत्पादक फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को खरीदती है। इस प्रकार सरकार की तरफ से आय का प्रभाव उत्पादक तथा फर्मों की तरफ आता है। लेकिन इसके साथ सरकार उत्पादक तथा फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर टैक्स लगाती है, जिसको इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। तो ये टैक्स के माध्यम से जो आय का प्रभाव है वो उद्योगों से या फर्मों से सरकार की तरफ आता है। ऐसे ही सरकार परिवार घरेलू क्षेत्रों पर भी टैक्स लगाती, जिसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और परिवार क्षेत्र से आय का प्रभाव कहाँ आता है, सरकार की तरफ आता है। ये जैसे रेखा चित्र यहाँ पे लाइन आपको दिखाई दे रही है। ऐसी हस्तांतरण भुगतान ये रेखा दिख रही है आपको, हस्तांतरण भुगतान परिवारों और घरेलू क्षेत्र की तरफ सरकार की तरफ से आता है। आय का प्रभाव सरकार की तरफ से कहाँ को आता है, घरेलू क्षेत्र या परिवार को आता है। हस्तांतरण भुगतान होता है क्या, हस्तांतरण भुगतान में सरकार पेंशन, वृद्धावस्था तथा विकलांग पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, अनुदान, आर्थिक सहायता आदि परिवार क्षेत्रों को प्रदान करती है। इस प्रकार सरकार की तरफ से आय परिवार क्षेत्रों को आती है। परिवार क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र जब इनके खर्च की तुलना में आय अधिक होती है तो इन्हें बचत प्राप्त होती है, जिसको वो मुद्रा बाजार में निवेश कर देते हैं, बचतों को निवेश कर देते हैं। और अगर इनकी आय कम होती है तो मुद्रा बाजार से ये उधार लेकर या ऋण लेकर अपना खर्च चलाते हैं। ऐसी उत्पादक फर्में भी करती हैं, उनको अगर बहुत अधिक लाभ होता है तो उस पैसे से वो मुद्रा बाजार में बचत करती हैं, निवेश करती हैं। और अगर उन्हें हानि होती है तो मुद्रा बाजार से वो ऋणों के रूप में उधार लेती हैं, ठीक है। ऐसे ही सरकार भी कार्य करती है। सरकार की अगर बचत अधिक होती है, लाभ अधिक होता है सरकार को, तो वो पैसे को मुद्रा बाजार में इन्वेस्ट करती है। और अगर सरकार के खर्च उसकी आय से अधिक हो जाते हैं तो उसे मुद्रा बाजार से धन लेना पड़ता है, जिसके लिए उधार बोला जाता है, जो ऋणों के रूप में सरकार मुद्रा बाजार से ऋण लेती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि आय के चक्रीय प्रभाव में सरकार, परिवार और फर्में, इन तीनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।
ये तीनों ही आय के प्रभाव को प्रभावित करती हैं। तो इसी को आय का चक्रीय प्रभाव का तीन क्षेत्रीय मॉडल कहा जाता है। आय के चक्रीय प्रभाव का चार क्षेत्रीय मॉडल इस प्रकार है। आय के चक्रीय प्रभाव का चार क्षेत्रीय मॉडल में चार क्षेत्र होते हैं, परिवार, व्यवसायिक फर्में, सरकार तथा शेष विश्व क्षेत्र। यह क्षेत्रीय मॉडल खुली अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ओपन मार्केट। खुली अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां पे आयात निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। इसमें विदेशी क्षेत्र या शेष विश्व क्षेत्र को भी सम्मिलित किया जाता है। इसमें पूरे विश्व के साथ वस्तुओं का आयात तथा निर्यात होता है। इसमें एक अर्थव्यवस्था का शेष विश्व की ओर मुद्रा का प्रभाव होता है। शेष विश्व क्षेत्र के समावेश होने पर आयात व निर्यात का भी आय के चक्रीय प्रभाव पर प्रभाव पड़ता है। चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रभाव में संतुलन की शर्त इस प्रकार है। ये इसका सूत्र है y बराबर c प्लस i प्लस g प्लस x माइनस m। y का मतलब होता आय या उत्पादन, c का मतलब होता उपभोक्ता व्यय, i का मतलब होता निवेश व्यय और g का मतलब होता सरकारी व्यय। x माइनस m का मतलब होता शुद्ध निर्यात अर्थात आयात और निर्यात का अंतर। X का मतलब होता है निर्यात एक्सपोर्ट, M का मतलब होता है इंपोर्ट आयात। तो यह सूत्र है, आय हमें प्राप्त होती है, आय का प्रवाह कैसे प्राप्त होता है, C कंजप्शन, उपभोक्ता व्यय को जोड़ेंगे हम निवेश के साथ, उसके साथ सरकारी व्यय जुड़ेगा और आयात निर्यात का अंतर इसमें जुड़ेगा। तो इसे बोलेंगे आय का चक्रीय प्रभाव का चार क्षेत्रीय मॉडल। अब हम इसको चित्र के माध्यम से विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। के चक्रीय प्रभाव का चार क्षेत्रीय मॉडल, इस वाले मॉडल में शेष विश्व रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम इसमें शामिल किया गया है। और शेष विश्व का मतलब है खुली अर्थव्यवस्था जहां पर आयात तथा निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, तो इससे भी आय का प्रभाव प्रभावित होता है। अब हम इसको देखते हैं किस प्रकार यह कार्य करता है। इससे पूर्व आप लोगों ने पढ़ा कि परिवार उत्पादन के साधनों को फर्मों को देता है और फर्म उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके साधनों का भुगतान करते हैं लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में परिवारों को। परिवारों को इससे आय प्राप्त होती है और आय का प्रयोग वो उपभोग व्यय करते हैं वस्तु सेवाओं पर जो उत्पादकों या फर्मों द्वारा तैयार की जाती है। तो इस प्रकार परिवार से आय फर्मों को, फर्मों से आय परिवारों को होती है। सरकार द्वारा उत्पादकों और फर्मों को अनुदान दिया जाता है। अनुदान का मतलब आर्थिक सहायता, जिससे आय का प्रभाव सरकार की तरफ से फर्मों को होता है। ऐसी सरकार उत्पादक और फर्मों द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं पर उन्हें खरीदते हैं, उन पर व्यय करते हैं, तो सरकार का जो आय का प्रवाह है वो फिर उत्पादकों और फर्मों की तरफ होता है। सरकार उत्पादक और फर्मों द्वारा तैयार की गई वस्तु और सेवाओं पर टैक्स लगाती है, जिससे आय का प्रवाह उत्पादकों से सरकार की तरफ हो जाता है, जैसे इस रेखाचित्र से दिख रहा है। ऐसी सरकार परिवार और घरेलू क्षेत्र इन पे भी टैक्स लगाती है, तो इनसे आय का प्रभाव किसकी तरफ होता है, सरकार की तरफ हो जाता है। हस्तांतरण भुगतान, सरकार घरेलू और परिवारों को आय उपलब्ध कराती है, जिससे आय का प्रभाव सरकार की तरफ से परिवार और घरेलू क्षेत्र को
होता है। सरकार उत्पादन के साधनों का प्रयोग करती है जिसको वो भुगतान देती है, और भुगतान के रूप में यह आय परिवार और घरेलू क्षेत्रों को प्राप्त होती है। तो आय का प्रभाव सरकार की तरफ से परिवार और घरेलू क्षेत्र को होता है। परिवार और घरेलू क्षेत्रों की आय अगर उनके खर्च से अधिक होती है तो वो अधिक मात्रा में बचत प्राप्त करते हैं और जिसको पूंजी बाजार में निवेश कर देते हैं। ऐसी सरकार को भी बचत होती है तो वो भी पूंजी बाजार में धन लगाती है, और अगर सरकार को उसके खर्च अधिक हो जाते हैं तो पूंजी बाजार से वो उधार के रूप में ऋण भी लेती है। ऐसी उत्पादक फर्म है वे भी अगर उनकी आय अधिक होती है उनके खर्च से तो वो बचते प्राप्त करते हैं और उसको पूंजी बाजार में निवेश करते हैं। उनको और अधिक धन की आवश्यकता होती है या उनके खर्च बढ़ते हैं तो वह पूंजी बाजार से ऋण के रूप में आय प्राप्त करते हैं। तो पूंजी बाजार से आय का प्रवाह उत्पादकों को, परिवारों को और सरकार तीनों को होता है। पूंजी बाजार तीनों क्षेत्र परिवार, फर्म और सरकार की बचतें एकत्रित करता है। यह क्षेत्र परिवार, फर्म और सरकार को पूंजी उधार देकर निवेश भी करता है और यह आय का प्रवाह में महत्वपूर्ण साधक है। शेष विश्व उत्पादक फर्में जब विदेशों से वस्तुओं का आयात करती हैं तो उसके रूप में कुछ मुद्राओं का भुगतान उन्हें करना होता है। तो आय का प्रभाव किस तरफ हो जाता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विदेशों की तरफ हो जाता है। इसी प्रकार अगर सरकार कुछ वस्तुओं को निर्यात करती है तो उससे वो भुगतान प्राप्त करती है। तो शेष विश्व से आय का प्रभाव किसकी तरफ हो जाता है? सरकार की तरफ हो जाता है, अर्थात सरकार को विदेशों से आय प्राप्त होती है। ऐसी सरकार अगर विदेशों से कोई वस्तु प्राप्त करती है तो उसके बदले में उसको भुगतान करना होता है सरकारी खाते पे। तो आय का प्रभाव कहां को हो जाता है? शेष विश्व की तरफ हो जाता है। तो सरकार की तरफ से प्रभाव कहां जाता है? शेष विश्व, क्योंकि हमें आयात के बदले भुगतान करना होता है। ऐसी उत्पादक फर्मों को भी शेष विश्व से अगर वो निर्यात करते हैं कोई वस्तु तो शेष विश्व से उनको आय प्राप्त होती है, जिसको बोलते हैं आय का प्रभाव शेष विश्व से उत्पादकों फर्म की ओर हुआ। तो ये था आय का चक्रीय प्रभाव, जिसको चार क्षेत्र मॉडल कहा जाता है, जिसमें सरकार, उत्पादक, फर्में, परिवार और शेष विश्व, ये चारों आय के प्रभाव को प्रभावित करते हैं और ये आय चारों तरफ घूमती रहती है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये था आय का चार क्षेत्रीय प्रभाव का मॉडल। अर्थशास्त्र विषय को और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को दिए हुए लिंक पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ मेरे YouTube चैनल को आप मोबाइल से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।